सबरेट गो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल क्रोम को अपडेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गूगल क्रोम को अपडेट क्यों करें। देखिए, गूगल क्रोम को अपडेट इसलिए करेंगे क्योंकि गूगल ने अब ये सेटिंग सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि जितने भी पुराने वर्जन के क्रोम ब्राउज़र थे उन सभी में आप जीमेल आईडी ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जीमेल अकाउंट जो है अपना उसे जो है नए पे खोलना पड़ेगा, यानी नया गूगल क्रोम यूज़ करना पड़ेगा जो नया वर्ज़न आया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम अपडेट करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि गूगल क्रोम कैसे अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो बिना समय गवाए इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तीन बार्स देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाइए हेल्प पे, उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए अबाउट गूगल क्रोम। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये गूगल का पेज खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्ज़न है वो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट हो गया। ये यहाँ पे दे रहा है गूगल क्रोम इज़ अप टू डेट, यानी कि गूगल क्रोम जो है आपका अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम हमने इसलिए अपडेट किया है क्योंकि जीमेल अकाउंट जो है वो पुराने वर्जन पे आप ओपन नहीं होगा, यानी अगर आप विंडो एक्सपी में पुराने वर्जन का गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जीमेल अकाउंट यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि गूगल ने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और उसके लिए गूगल क्रोम का नया वर्जन जो है लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपका गूगल क्रोम यूज़ करके आप अपना जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी क्लिक करके अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।